कोरोना संक्रमण के खिलाफ जारी लड़ाई लंबी है। हालांकि इसको लेकर पुलिस विभाग और शहर की जनता पूर्ण रूप से सजग हो चुकी है, बावजूद इसके हमें अभी भी सतर्क रहने की जरूरत है। पुलिस जवानों के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखा जा रहा है। इसके साथ ही वर्तमान में बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी स्वस्थ होकर लौट रहे हैं। 11 पुलिसकर्मी अभी भी अस्पताल में उपचारत है। वही पुलिस विभाग संक्रमण और बढ़ती गर्मी को देखते हुए पुलिसकर्मियों का विशेष ध्यान रख रही है। अब पूरा प्रयास रहेगा सर कि इस जो कोरोना संक्रमण की रोकथाम को लेकर किया जा रहा है, तो ऐसे में जो पुलिस जवान जो अभी भी वर्तमान में कठिन चाहे क्वारंटाइन सेंटर हो या जहाँ जहाँ पर भी संवेदनशील क्षेत्र है वहाँ पर सर, उनके लिए लगातार प्रयास उनके स्वास्थ्य के लिए कर रहे हैं सर, सर आगे किस तरह का वो फिट रहे उसके लिए किस तरह की तैयारी है? ये इस चरण में हम जानते हैं कि अभी हम किसी भी हालत में अपने स्वास्थ्य के संबंधी जो प्राथमिकताएं हैं, स्वास्थ्य संबंधी जो हमारी पहल है, हमारी जो जिम्मेदारियां हैं, हम इसको लेकर के जो गंभीरता है उसमें किसी भी तरीके से कमी अभी नहीं कर सकते। यह संक्रमण का दौर अभी चलेगा, लेकिन ये जरूर है कि धीरे धीरे समय के साथ लोगों ने उसको लेकर के अपना हौसला काफ़ी बढ़ा लिया है, उसको लेकर विश्वास बढ़ गया है, आत्मबल बढ़ गया है, डर समाप्त हुआ है। लेकिन डर के साथ साथ हमें इस बात का ध्यान रखना होगा कि हमारे अंदर जो उसकी तैयारी का जो स्तर है वो कहीं भी हालत में किसी भी हालत में कम नहीं होना चाहिए। जैसे कि जो हम मास्क का उपयोग करते हैं या सैनिटाइजर का उपयोग करते हैं या आपस में जो न्यूनतम जो दूरी रखने का प्रावधान है उसका जो पालन करते हैं, ये चीज़ें आगे अनवरत पालन होती रहनी चाहिए। यही हमारी सुरक्षा का मुख्य आधार है। जवानों को ध्यान में रखते हुए जवानों के हालांकि संक्रमण कम हुआ है, पहले अगर हम देखें तो पहले जहाँ पे 34-35 जवान थे, अभी लगभग उसमें से अधिकांश ठीक होकर के जा चुके हैं। अभी लगभग 11 जवान हमारे अभी संक्रमित हैं जिनका अलग अलग अस्पतालों में इलाज चल रहा है। बहरहाल उनको चिकित्सा को लेकर के स्वास्थ्य को लेकर के पर्याप्त गंभीर है और समय समय पर उनकी स्वास्थ्य का परीक्षण भी कराया जा रहा है और पर्याप्त नजर रखें। टाइम न्यूज़ देखिए अब आपके मोबाइल और